नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे दिया गया है भारत में प्राकृतिक जो वनस्पति है इनकी विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए भारत के वर्षा वन क्षेत्र में वन्य जीव अभयारण्य के महत्व की आकलन कीजिए ठीक है तो आपसे सिंपली पूछ रहा है कि भारत में जो डाइवर्स हमारी नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं इनके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इंडिया में वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है सिग्निफिकेंस क्या है इन दोनों ही टॉपिक को आपको डिस्कस करना है देखो भारत में बहुत ही डाइवर्स नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं ये बात तो बिल्कुल सही है क्यों है क्योंकि आप सदरन इंडिया में देखोगे तो वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है फिर जहाँ पे थोड़ी कम वर्षा होती है वहाँ पे ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है फिर पूरे मानसून हमारा जो एरिया है लार्जर पार्ट में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है इसके अलावा आप देखोगे तो हिमालय रीजन में अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है रेगिस्तान रीजन में जो हमारी कैक्टस रेगिस्तान वनस्पति पाई जाती है और इसके अलावा कोस्टल एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है तो नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंडिया में देखने मिलती है लगभग में हर तरह की नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में पाई जाती है अब इनके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं तो फैक्टर्स में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डाइवर्स जो फिजियो क्लाइमेटिक जो हमारी फैक्टर्स हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल है तो पहला फैक्टर्स हमारे हैं कि भारत में विविध जलवायु पाया जाता है वैसे तो भारत की जलवायु को मानसून जलवायु बोला जाता है लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा विविधता है दक्षिण तो भारत में देखोगे तो ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल हमारी क्लाइमेट है ठीक है उससे क्लाइमेट है उत्तर भारत में देखोगे तो कुछ आपको टेम्परेट क्लाइमेट टाइप का देखने मिलेगा ठंडी के दिनों में इसके अलावा हिमालय में जाओगे तो हिलपा हिमालयन में अल्पाइन क्लाइमेट है और डिजर्ट वाले एरिया में देखोगे एरिड क्लाइमेट है तो क्लाइमेट में विविधता यहाँ पे देखने को मिलती है और क्लाइमेट एक मेजर फैक्टर्स है किसी भी नेचुरल वेजिटेशन की जो टाइप है डेंसिटी है उसको आ, उसकी रिस्पॉन्सिबल के लिए ठीक है तो विविध क्लाइमेट पाए जाने के चलते हमारे नेचुरल वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंडिया में दूसरा हमारी जो फैक्टर है हमारे टोपोग्राफी में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है टोपोग्राफी का मतलब है कि इंडिया में माउंटेंस पाए जाते हैं प्लेन एरिया भी हैं प्लेट एरिया भी हैं डिजर्ट एरिया भी हैं कोस्टल एरिया भी हैं ये सारी जो हमारी टोपोग्राफी में डाइवर्सिटी है अब अलग अलग जो टोपोग्राफी एरिया में अलग अलग टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेंगे जो आपका जो आपको पहाड़ी एरिया में वेजिटेशन मिलेंगे वो आपको जरूर नहीं है कि मैदानी एरिया में सेम वेजिटेशन देखने मिले या पठारी एरिया में वही डेजिटेशन वेजिटेशन देखने मिले इसलिए टोपोग्राफी में डाइवर्सिटी होने के चलते हमारी नेचुरल वेजिटेशन में भी विविधता इंडिया में देखने को मिलती है ठीक है इस कल आप देखोगे तो सॉइल की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में देखने मिलती है इंडिया में आप देखोगे तो हर तरह की सॉइल मिलते हैं एल्यूवियल सॉइल नदर इंडिया में मिलता है ठीक है फिर तो रेड सॉइल आपको देखने में मिलेगा लेटराइट सॉइल देखने मिलेगा ब्लैक सॉइल इसके अलावा जो हमारी पर्वतीय जो सॉइल है ठीक है वो भी हमारी देखने को मिलेगी तो यहाँ पे मृदा में भी डाइवर्सिटी है और इनके चलते हमारी नेचुरल वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी फिर देखोगे तो वर्षा जो रेनफॉल है रेनफॉल में आपको डाइवर्सिटी देखने मिलेगी वैसे तो पूरे इंडिया में मानसून से मेजॉरिटी मेजोरिटी आप एरिया में हमारी वर्षा होती है लेकिन मानसून में भी आपको जो इंटेंसिटी है उसका पैटर्न है उसमें आपको डाइवर्सिटी देखने मिलेगी ठीक है पश्चिमी घाट में आप देखोगे तो उच्च वर्षा होती है इसके वजह से वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं लेकिन थार डिजर्ट में आपको बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है इसलिए वहाँ पर रेगिस्तानी वनस्पति देखने को मिलती तो वर्षा में भी हमारी डाइवर्सिटी है इंडिया में इसके अलावा जो नेचुरल वेजिटेशन की जो विविधता में फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबलती है वो हमारी प्रकाश की अवधि ठीक है फोटो पीरियड जहाँ पे सूर्य प्रकाश की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है यानी कि दिन में ज़्यादा तापमान वहाँ पे होता है तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट की डेंसिटी बढ़ती है जैसे हिमालयन रीजन में आप देखोगे तो वहाँ पर कम टेम्परेचर मिलते हैं इसलिए वहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ है वो हमारी स्लो होती है डाइवर्सिटी भी थोड़ी सी हिमालयन के जो नदन पार्ट है वहाँ पे कम देखने मिलती है तो प्रकाश की अवधि वर्षा और हमारा जो क्लाइमेट है वायल है टोपोग्राफी है ठीक है इन सारे की विविधता के कारण हमारी नेचुरल जो वेजिटेशन है इनमें डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है ये हमारा पहला पार्ट है दूसरा पार्ट यहाँ पूछ रहा है कि भारत में वर्षा वन में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं उसकी क्या इंपोर्टेंस है देखो रेन फॉरेस्ट की बात करें तो इंडिया में रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आप मैप देख सकते हो जो ग्रीन एरिया है यहाँ पे रेन फॉरेस्ट पाया जाता है वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु के कोस्ट पे फिर यहाँ पे उड़ीसा के थोड़ा कोस्ट और वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल एरिया है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर जो हमारा सदर्न पार्ट है वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने मिलेगा इसके अलावा अंडमान और निकोबार ठीक है यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने मिलता है अब यहाँ पे जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ठीक है थीके? उनकी क्या इम्पोर्टेंस है क्यों हमारा ज़रूरी है तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आपको केरल में देखने मिलेगा वेस्टर्न घाट में ये हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर है फिर सैडल पिक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में नारकोडम आइलैंड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार में ये हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर है फिर हॉर्नबिल या डैन डेली भी बोलते हैं वन्य जीव अभिया अभयारण्य पश्चिमी घाट कर्नाटका में ये हमारी वर्षा वन के अंदर हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें क्यों ज़रूरी है देखो वर्षा वन में हमारी मेजर प्रॉब्लम है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं उनकी तो कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा बनाना ज़रूरी है ठीक है तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा ज़रूरी है रेन फॉरेस्ट में इसके अलावा आप देखोगे तो रेन फॉरेस्ट में जो वाइल्ड वाइल्ड लाइफ है वो हमारे विलुप्त हो रहे हैं ठीक है थीके? वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या वहाँ पर डेंजर में है तो उनको कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जरूरी है ट्रॉपकर रेन फॉरेस्ट में रे हमारा दूसरा रीजन है पहला क्या था बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चाहिए दूसरी हमारी वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको एक्सटेंशन से बचाने के लिए लुप्त होने से बचाने के लिए हमें चाहिए इसके अलावा देखोगे तो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन के बीच में काफ़ी संघर्ष कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ठीक है ह्यूमन के सेटलमेंट में जो वाइल्ड लाइफ आ जाते हैं इसकी वजह से ह्यूमन लोग उसको या तो मार देते हैं या ह्यूमन के जानमाल की नुकसान होता है तो मनुष्य और पशु के संघर्ष को कम करने के लिए रेन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की होना ज़रूरी है इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पे हम रिसर्च और एजुकेशन वहाँ पर कर सकते हैं रिसर्च कर सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में आ, कैसे नेचुरल जो लॉ हैं कैसे वहाँ पे इकोसिस्टम सरवाइव की है कैसे इवॉल्व हुई है और इन सब चीज़ों का रिसर्च करेंगे तो कहीं कही ना कहीं हमें आइडिया मिलेगा कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं जो हमारी लॉसेस है उसको हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं तो रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए हमें ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ना ड्रॉपकर रेन फॉरेस्ट में इसके अलावा पर्यटन का वहाँ पे पर्यटन को अट्रैक्ट करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोग वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ होते हैं या जो डेंस फॉरेस्ट होता है उसको देखने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं जिससे कि हमारे इकोनॉमी को भी फायदा होता है इसके अलावा पर्यटन जब वहाँ पर जाएंगे तो उनमें जागरूकता भी आएगी कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं वाइल्ड हमारा वाइल्ड लाइफ एक रिसोर्स है फॉरेस्ट हमारी रिसोर्स है इसकी जागरूकता उन्हें मिलेगी और कंजर्वेशन के लिए आगे बढ़ेंगे ये हमारा मेजर रीजन्स हो गया कि वाइल्ड लाइफ हमारा होना चाहिए रेन फॉरेस्ट में के लिए उसकी इंपॉर्टेंस अब हमारे सामने में आप बता सकते हो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माध्यम माध्यम से वर्षा वन क्षेत्र में हम संरक्षण कर सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण कर सकते हैं और हमारी जो एको लॉजिकल जो बैलेंस है उसको बनाए रख सकते हैं और सतत जो हमारे विकास की प्रथाएं हैं ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको हम प्रमोट कर लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की इम्पोर्टेंस तो हैं लेकिन उसको के लिए कुछ चैलेंजेज भी हैं जैसे हैबिटेट हमारी लॉस हो रही है हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो इन्वेसिव जो हमारे स्पेसीज़ हैं वो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है उसका आ, को नुकसान पहुँचा रहे हैं इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी कारण हमारे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ थी वो हमारे इवॉल्व हो रही हैं उससे काम नहीं चलेगा जलवायु परिवर्तन हमारे हो रहे हैं इन सब चीज़ों को हमारे एक चैलेंजेज हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इन सब चैलेंजेस को हम दूर कर सकते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति की विविधता पाई जाती है उसके लिए उत्तरदायी कारकों को डिस्कस किए और भारत में वर्षा वन क्षेत्र में जो वन्य जीव अभ अभयारण्य है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके महत्व को भी हम लोग डिस्कस किए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू